यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जिस तरीके से आपको प्लान मिलता है 30x30 में, पोर्च के साथ आपका 4 बेडरूम के साथ में हाउस प्लान कंप्लीट बना हुआ है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका एलिवेशन दिया है पोर्च भी के साथ में। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपनी 3D प्लान की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 30x30 में ओनली कंप्लीट हटिया के साथ में, वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल भी दिए गए हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। सीढ़ियों से आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पोर्च मिल जाता है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 9x10। 9x10 का आपका पोर्च दिया गया है देख सकते हैं, 9x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। बैठक से डायरेक्ट हॉल में आने जाने के लिए कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया हुआ है। बैठक के वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है देख सकते हैं आप। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 10x10। ये 10x10 की आपकी बैठक दी गई है देख सकते हैं, 10x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटीग्रल मिलता है, वेंटिलेशन दोनों साइड से विंडो भी मिल जाते हैं। ये गेट आपका 4 फट का लगा, गेट से आप एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है। काफ़ी बड़ा आपका हॉल दिया हुआ है। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा है 9x18। 9x18 का आपका हॉल दिया गया है देख सकते हैं, 9x18। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन रोड साइड से विंडो भी मिल जाती है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस रूम का मैंने साइज दिया 10x10। ये 10x10 का आपका रूम बना है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 10x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमाइंड दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा है 4x9। ये 4x9 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमाइंड दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके रूम मिल जाता है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x11। 10x11 इसका साइज रखा है देख सकते हैं, 10x11। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ मिल जाती हैं देख सकते हैं। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से पूरा बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 1 फिट का दिया हुआ है। इसकी हाइट मैंने 7 इंच रखी हुई है देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी सीढ़ियाँ दी हैं देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके रूम मिल जाता है, जिसका मैंने साइज दिया 10x11। ये 10x11 का आपका रूम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है और वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है देख सकते हैं आप। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है। काफ़ी बड़ी आपकी किचन दी है। इस किचन का मैंने साइज रखा 7x9। ये 7x9 की आपकी किचन दी है देख सकते हैं, 7x9। अगर आप पूजा घर बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप इस कोने में पूजा घर डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप इस कोने में भी पूजा घर डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जीने के नीचे आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे स्टोर रूम बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30x30 में पोर्च के साथ में 4 बेडरूम के साथ में हाउस प्लान आपका कंप्लीट दिया हुआ है देख सकते हैं आप। कंप्लीट आटी आपकी कुछ इस तरीके से दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल दिया, हॉल का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा आपका 30x30 में। गांव के हिसाब से बहुत ही बेस्ट प्लान है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद है। पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।